नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम बच्चों वेव थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसमें हमने न्यूटन्स के कणिका सिद्धांत के बारे में आपको थोड़ी सा बताया था और हाइगेंस प्रिंसिपल को हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों, कि हाइगेंस तरंगिकाओं का सिद्धांत, कि ये कहता था कि प्रकाश कैसे है, प्रकाश तरंगों के रूप में, तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हाइगेंस ने क्या माना था बच्चों, हाइगेंस ने सबसे पहले क्या माना था कि इस सारी सृष्टि में क्या है, ईथर का माध्यम है ना, इस सारी सृष्टि में किसका माध्यम है, ईथर का माध्यम है, और जो प्रकाश आगे बढ़ रहा है ईथर के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो बच्चों आज हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में थोड़ी सा अध्ययन करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये 1678 के अराउंड ये थ्योरी आ गई थी, इससे जस्ट पहले न्यूटन कणिका सिद्धांत आया था, लेकिन उस टाइम सब लोगों ने न्यूटन के सिद्धांत को माना था क्योंकि न्यूटन अपने आप में एक ग्रेट साइंटिस्ट उस टाइम थे, ठीक है। तो इस थ्योरी पर कब मोहर लगी, इस थ्योरी पर मोहर लगी बच्चों जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, कि यंग की द्विध्रुवी का सिद्धांत व्यतिकरण में आप पढ़ेंगे, तो उसने जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, और फोको एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बता दिया कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम होती है, रियर मीडियम में ज्यादा होती है, और लाइट की स्पीड उन्होंने पता किया, तो उसके बाद इस थ्योरी को क्या लग गया, एक ये थ्योरी सही मानी गई है। सबसे पहले ये थ्योरी क्या बताती है, लाइट तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। इसकी पहली ही लाइन बच्चों कि हाइगेंस तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस ने क्या कहा था, पहली ही लाइन कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है बच्चों, इनके अनुसार, जो कि आज की डेट में क्या है, गलत है ना, क्योंकि प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आगे पढ़ेंगे आप पोलराइजेशन में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन इनके अनुसार क्या थी कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, और यांत्रिक तरंग को प्रोपेगेट होने के लिए, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने माना कि इस सृष्टि में माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगों जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, पूरे ब्रह्मांड में ईथर का माध्यम है। इन्होंने क्या माना बच्चों, इस सारी सृष्टि में ईथर का माध्यम है, ठीक है, जिसकी जिसकी प्रत्यास्थता, जिसकी इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, और डेंसिटी घनत्व तो बहुत कम है, जिस कारण देखो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा तो भी ज्यादा, और डेंसिटी बहुत कम क्योंकि नीचे है तो भी ज्यादा, तो मतलब इसलिए वेलोसिटी, प्रकाश की चाल क्या है, बहुत अधिक है, प्रकाश की चाल क्या है, बहुत अधिक है, इन्होंने कहा, क्योंकि क्या है, ईथर का माध्यम हाईली इलास्टिक है और वेरी डाइल्यूट है, मतलब डेंसिटी बहुत कम है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ द लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, ये ज्यादा और ये कम, तो ये ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा, ये कम होने के कारण ये और ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या है बच्चों कि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है, इनके अनुसार ये था। आज की डेट में प्रकाश यांत्रिक तरंगे नहीं है, बल्कि क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आज की डेट में ईथर जैसा कोई माध्यम सृष्टि में अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, ठीक है, तो ईथर जैसा माध्यम कोई है नहीं, ठीक है बच्चों, पहली चीज। अब इन्होंने अपने सिद्धांत के कुछ, इनके सिद्धांत के कुछ नियम है, कुछ पोस्टुलेट है, जिनको मैंने यहां लिखा है और मैं आपको उनको समझा देता हूं। आपको देखो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, माना ये बल्ब है, या किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में सभी संभव दिशाओं में जाता है, सभी संभव दिशाओं में, मतलब जैसे मान लिया जाए ये प्रकाश का कि प्रकाश स्रोत है, तो इससे स्पाइरिकल वेव में सब जगह आपका प्रकाश जा सकता है, तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या होता है बच्चों, तरंगों के रूप में आगे निकलता है तथा सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से आगे बढ़ता है, प्रकाश के वेव से आगे बढ़ता है, और सुनना जरा बात को ध्यान से, और जो माध्यम में स्थित कण है, प्रकाश
प्रकाश आगे बढ़ रहा है। जो माध्यम में स्थित कण है बच्चों, वो माध्यम में स्थित कण सरल आवर्त गति करते हैं और माध्यम में उपस्थित कण सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, एनर्जी और मोमेंटम को बगल वाले को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, कि एनर्जी और मोमेंटम को बगल वाले को ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इज इट क्लियर? इनके अनुसार क्या हो रहा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम में उपस्थित कण सरल आवर्त गति करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर इसके अनुसार अगर आपका पॉइंट सोर्स है, इस नियम के अनुसार अगर आपका प्रकाश का सोर्स क्या है बच्चों, पॉइंट है। अच्छा, मैं इधर ना मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मैं ये वाला पॉइंट मिटा देता हूं ताकि मुझे यहां पर थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि इनके अनुसार अगर आपका सोर्स बच्चों पॉइंट है, अगर आपका सोर्स पॉइंट है, बिंदु स्रोत है, प्रकाश का क्या है बच्चा, बिंदु स्रोत है। क्या है बच्चों? बिंदु स्रोत है। तो बच्चों बिंदु स्रोत से जो तरंगे रुकेगी ना, आएगी ना, वो गोलीय रूप में आएगी, स्फेरिकल वेव में। बल्ब जलाया और चारों तरफ उसकी लाइट फैली, तो किसके रूप में जाएगा बच्चे? स्फेरिकल रूप में। किसके रूप में? स्फेरिकल रूप में। तो इसको बोलते हैं हम गोलीय तरंगाग्र। ये क्या हो गया बच्चों? गोलीय तरंगाग्र। अब कैसे बनता है ये अभी आपको बताता हूं। इस पॉइंट से कि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ, देखो लाइट से तरंगाग्र तरंगिकाएं, वो तरंग आगे बढ़ी और माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित कण किसी क्षण कंपन की समान कला में होते हैं, किसी क्षण कंपन की समान कला में होते हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? तरंगाग्र कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। याद रखना, वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट है बच्चों। इस टाइम क्या हो रहा होगा, सुनना जरा बात को, कि यहां पर से आपकी लाइट चारों तरफ आ रही है, तो आपने इस पर स्थित क्या है बच्चों? पार्टिकल है, माध्यम के कण है। यहां सारी, यहां क्या है? माध्यम के कण है। इस टाइम ये माध्यम के कण सबके सब एक समान कला में होंगे बच्चों। सबके सब क्या होंगे? समान कला में होंगे। तो समान कला में खींचा गया यह पृष्ठ, इन माध्यम के कणों पर खींचा गया यह पृष्ठ, इसको क्या कहते हैं हम? तरंगाग्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? तरंगाग्र कहते हैं। अब क्योंकि ये बिंदु स्रोत है तो इसका जो ये तरंगाग्र है ये कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र। फुटबॉल की तरह, फुटबॉल का जो आउटर सरफेस है ना, वो आपका तरंगाग्र हो गया, गोलीय तरंगाग्र। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने पानी में पत्थर मारा तो रिपल आगे बढ़ता ना, तरंगाग्र आगे बढ़ता है। पानी के कण आगे नहीं बढ़ते बच्चों, पानी के कण अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो जो आपको रिपल दिख रहा है उस टाइम वो सारे के सारे समान कला में है। तो वो खींचा गया जो पृष्ठ होगा उस पर वो क्या कहलाता है आपका? तरंगाग्र कहलाता है। कि माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, सारे के सारे एक डायरेक्शन में एक क्षण पर जा रहे हो, क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। इज इट क्लियर? मतलब यहां पर गोलीय तरंगाग्र में एक बार फिर से समझाता हूं आपको कि सपोज दैट ये बिंदु स्रोत थे, यहां से तरंगिकाएं आगे बढ़ी बच्चों, आगे बढ़ी, तो इस टाइम जैसे ये आपका गोलीय तरंगाग्र हो गया, इस पर जो ये माध्यम के कण है ना, जो ये माध्यम के कण है, माध्यम में जो कण है, ये सारे के सारे समान कला में है बच्चों। सारे के सारे क्या है? समान कला में है, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, कि जो ये है, इसको क्या बोला आपने? तरंगाग्र। क्या बोला बच्चों? तरंगाग्र बोला है। ठीक है, अब क्योंकि ये बिंदु स्रोत था तो फुटबॉल के जैसे तरंगाग्र बना, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? गोलीय तरंगाग्र। एकदम क्लियर? अब सुनना, इस तरंगाग्र में स्थित, अब इस वाले की बात कर रहा हूं, ये थर्ड वाले, इस तरंगाग्र में स्थित प्रत्येक बिंदु बच्चों, प्रत्येक माध्यम का कण, प्रत्येक माध्यम का कण एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करता है।
एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह क्या करता है बच्चों, काम करता है। सुनना जरा बात को, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह क्या करता है बच्चों, काम करता है, और वो भी अपने सभी संभव दिशाओं में क्या करता है, लाइट को रेडिएट करता है, लाइट को इमिट करता है। मतलब जो ये बिंदु स्रोत है ये भी सभी संभव दिशाओं में क्या करेगा, चारों तरफ लाइट को फैलाएगा। ये भी सभी संभव दिशाओं में लाइट फैलाएगा, ये भी सभी संभव दिशाओं में लाइट फैलाएगा, ये सारे के सारे सभी संभव दिशाओं में क्या करेंगे बच्चों, लाइट को स्प्रेड करेंगे। समझ में आ रही बात कि माध्यम में स्थित प्रत्येक कण से और इस तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करते हैं और लाइट को सभी संभव दिशाओं में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं या सभी संभव दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। और इस सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से जो ये तरंगाग्र निकला है बच्चों, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से जो आपका यह तरंगाग्र निकला है, सही तरीके से बना लेता हूं एक ओके, ये जो निकला है बच्चों इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं, थोड़ी टर्मोलॉजी को याद रखना है, सेकेंडरी वेवलेट मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सेकेंडरी वेवलेट द्वितीयक तरंगिकाएं। देखो पहला वाला तो जो ये वाला था ये क्या है, तरंगाग्र, लेकिन ये वाला क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं। समझ में आ रही, टर्मोलॉजी थोड़ी याद रखनी है, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब सुनना बच्चों बात को जरा से, द्वितीयक तरंगिकाएं, इससे भी सभी माध्यम के प्रत्येक कण सभी ये सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेंगे, चारों तरफ लाइट को फेंकेंगे। अब देखना, क्योंकि इस माध्यम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होगी, तो बच्चों अगर मैं द्वितीयक तरंगिकाओं से टेंजेंशियल खींचूं, मतलब इस पर स्पर्श करते हुए, देखो ये स्पर्श करते हुए अगर मैंने क्या कर दिया बच्चों, स्पर्श करते हुए अगर मैंने टेंजेंशियल खींच दिया बच्चों, तो पता है ये क्या होगा, ये जो प्राइमरी तरंगाग्र था ना, टी समय बाद उसकी क्या हो जाएगी बच्चों नई स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी जगह पर तो रुकेगा नहीं, लाइट तो कंटिन्यूअसली फैल रही है, तो प्राइमरी मतलब जो तरंगाग्र है, टी समय बाद अगर मैंने इस द्वितीयक तरंगिकाओं से स्पर्श करते हुए क्या खींचा, एक तरंगाग्र खींचा, तो वो इस तरंगाग्र की आफ्टर टी समय बाद की नई स्थिति होगी। समझ में आ रही बात, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं से अगर आप टेंजेंशियल खींचते हो, स्पर्श रेखीय खींचते हो, तो वो पुराने तरंगाग्र की नई स्थिति होती है टी समय बाद। ये थोड़ी से आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये क्या होना चाहिए, आपको थोड़ी सा ध्यान होना चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, ये एकदम क्लियर हुआ आपकी बात। अच्छा एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, किसी भी तरंगाग्र पर, सुनना जरा बात को, इंपॉर्टेंट, तरंगाग्र का मतलब किसी बिंदु स्रोत या किसी सोर्स ऑफ लाइट से माध्यम के वो कण जो समान कला में हो, उनसे स्पर्श करते हुए आपने टेंजेंशियल खींचा या लगते हुए लाइन खींची, तो वो क्या बनाया आपका, पृष्ठ खींचा, तो वो क्या हो गया आपका, तरंगाग्र हो गया। ठीक है, वो तरंगाग्र हो गया। अब किसी भी तरंगाग्र पर बच्चों, जैसे ये तरंगाग्र बन गया, ये बिंदु स्रोत था, ये तरंगा, किसी भी तरंगाग्र पर बच्चों अगर आप अभिलंब खींचे, किसी तरंगाग्र पर आपने 90 डिग्री में अभिलंब खींचा बच्चों, तो इसी को बोलते हैं किरण। तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब को ही क्या बोलते हैं बच्चों, किरण बोलते हैं। समझो जरा बात को, जो रे ऑप्टिक्स में हम किरण बनाते थे ना, वो किरण ये है बच्चों कि किसी वेव फ्रंट पर, किसी तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रे कहते हैं, किरण कहते हैं। समझ में आ रही बात,
बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़ी होता है कि आपने लाइट को डाला उत्तल दर्पण पर, सीधी रे आ गई। भाई ये क्या हो रहा है? ये तरंगाग्र पर अभिलंब जो हमने खींचा वो किरण है, और इसी किरण को हम डायरेक्ट रे ऑप्टिक्स में बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है और इस लाइट का जो वेवलेंथ है वो क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल के क्या थे, कॉन्सेप्ट थे जो आज तक यूज होते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन में। ठीक है बच्चों, लेकिन इन नियमों से हम जो जो व्याख्या कर पाए बच्चों, इस हाइगेंस प्रिंसिपल से हम जो जो व्याख्या कर पाए बच्चों, वो कौन कौन सी व्याख्या कर पाए हम, वो हम प्रकाश के अपवर्तन की बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाए बच्चों। ठीक है, क्या क्या हम व्याख्या कर पाए, हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत से अनुसार जो व्याख्या कर पाए बच्चों, व्याख्या ये क्या क्या व्याख्या कर पाए, पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है, इंसिडेंट आई इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर, के आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हाइगेंस की तरंगिकाओं के सिद्धांत से इसको बिल्कुल समझाया जा सकता है, आपके सिलेबस में ये बच्चों है। ठीक है, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इससे बच्चे बहुत अच्छे से समझाया पाया कि प्रकाश के अपवर्तन को भी हम इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में किसका नियम होता है, स्नेल लॉ। मतलब स्नेल का लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से समझा पाए, बहुत आसानी से समझा पाए वी वन अपॉन वी टू। ये प्रकाश के अपवर्तन को भी यहां पर हम आराम से इससे समझा पाई बच्चों। इज इट क्लियर? इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन आल्सो फाइंड आउट, क्योंकि ये बताता था कि प्रकाश क्या है, वेव का नेचर होता है, प्रकाश में क्या होता, वेव का नेचर होता है, तो इससे हम इंटरफेरेंस व्यतिकरण, मतलब तीसरा व्यतिकरण जो हम पढ़ने वाले हैं बाद में, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बताता है कि लाइट का वेव नेचर होता है, और तरंगिकाओं में वही है कि लाइट का तरंग नेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेरेंस इसको समझा पाया। चौथा विवर्तन, विवर्तन मतलब दैट इज द विवर्तन मीन्स डिफ्रेक्शन, इसको भी आराम से ये नियम समझा पाया। लेकिन ये नियम जो नहीं समझा पाया बच्चों, ये नियम जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, करे तो बहुत कुछ नहीं पाया, लेकिन जो मेन है कि ये नियम नहीं समझा पाया बच्चों, जिसको ये फॉलो नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया, वो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पोल ध्रुवण बच्चों, दैट इज द पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण, ये प्रकाश के ध्रुवण की घटना को नहीं समझा पाए। और क्यों नहीं समझा पाए, क्योंकि इनकी पहले ही लाइन गड़बड़ थी कि प्रकाश यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि वास्तव में प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा प्रकाश भी यांत्रिक तरंग के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब इन्होंने कहा, हाइगेंस ने कहा कि यांत्रिक तो है, लेकिन यांत्रिक में भी क्या है, यांत्रिक में भी ये क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आपने क्लास 11 के लास्ट चैप्टर में अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ा होगा कि माध्यम के कण तरंग की दिशा में अगर कंपन करते हैं तो वो अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, जबकि वास्तव में प्रकाश में माध्यम के कण तरंग के परपेंडी लंबवत कंपन करते थे, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं बल्कि क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो इनका यह भी गलत था कि यांत्रिक तरंग है, नहीं, प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं बल्कि क्या है बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग है। आप किस में पढ़ने वाले हो इसको, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चैप्टर में आपने पढ़ दिया होगा कि प्रकाश है क्या, अनुप्रस्थ तरंग है। ओके बच्चों, सॉरी, इसमें यांत्रिक की जगह यहां पर विद्युत चुंबकीय लिखेंगे ना,
नाम लिख रहे हैं हम, तो दिख रहा है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्रकाश। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बच्चों। इज इट क्लियर? ये गलत है और दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके स्टूडेंट, दूसरी चीज, इन्होंने कहा प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। जबकि वास्तव में दिस इज रॉन्ग। सही क्या है बच्चों? कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, मतलब दैट इज द ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो इन चीजों को नहीं समझा पाए, और जिसको समझा पाए बहुत अच्छे से। न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने तो खतरनाक बोल दिया, बात बोली थी कि प्रकाश की चाल डेंसर में, मतलब सघन माध्यम में ज्यादा होती, विरल में कम होती, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होगी, ये बात इन्होंने बता दी थी। समझ में आ रही है कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में सही होती है। तो बच्चों ये था आपका हाइगेंस तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो अगर आप इसमें प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या करना चाह रहे हो तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, आप उसको भी आराम से क्या कर सकते हो बच्चों? समझ सकते हो। तो हम थोड़ी से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन को मैं जहां पर आप फंसते हो वहां पर मैं थोड़ी से आपको बता देता हूं बच्चों, ठीक है? तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम थोड़ी से हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ओके, थोड़ी बोरिंग सा है लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, समझ में आना चाहिए। हाइगेंस के द्वितीयक द्वितीयक लिख रहा ना, तरंगिकाओं तरंग द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत, तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के तरंगिका के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। ओके बच्चों, कि दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? एक वी हैव टेक ए प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। पहले अपवर्तन, पहले परावर्तन कर लेते हैं, आसान है, ठीक है? प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। अब परावर्तन के लिए क्या लेते हैं बच्चों? एक मिरर ले लो। अब जरा चीजें याद रखना है, ये हमने ले लिया बच्चों एक मिरर, दर्पण ले लिया। ओके, हमने क्या ले लिया? एक्स वाई एक दर्पण ले लिया, ठीक है बच्चों? और हाँ, एक चीज और भूल गया मैं बताना कि बच्चों तीन प्रकार के वे फ्रंट जनरली हम बनाते हैं। देखो, अगर सुनो सॉरी है, बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से जो वे फ्रंट आएगा वो चारों तरफ फैलेगा बच्चों। तो चारों तरफ फैलेगा तो उसका जो वे फ्रंट बनेगा, तरंगाग्र बनेगा, क्या बनेगा? ये गोलीय तरंगाग्र। ये तो बता दिया था मैंने, गोलीय तरंगाग्र। ओके, दूसरा, अगर आपका लाइट का सोर्स लीनियर है, अगर जैसे जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे आपका लाइट का सोर्स क्या है? ट्यूब लाइट है, तो इससे जो वे फ्रंट बचेगा ऐसे में जाएगा ना, तो वे फ्रंट इससे जो बनेगा बच्चों वो स्फेरिकल, वो आपका सिलेंड्रिकल वे फ्रंट बनेगा। कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वे फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, मतलब क्या बोलेंगे इसको? बेलनीय तरंगाग्र। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? बेलनीय तरंगाग्र, है ना? नीय तरंगाग्र। ओके, अगर आपका बिंदु स्रोत बच्चों दैट इज द आपका बिंदु स्रोत कैसा है कि यू कैन से दैट कि वेव फ्रंट इंफिनाइट से आ रही है, मतलब आप देखो चाहे आपका ये क्या था? रेखीय सोर्स ऑफ लाइट था। ये क्या था?
रेखीय स्रोत था, प्रकाश का रेखीय स्रोत, प्रकाश का, ठीक है, रेखीय स्रोत प्रकाश का, और ये क्या था आपका पॉइंट सोर्स, बिंदु स्रोत है। अगर ये बिंदु स्रोत या ये रेखीय सोर्स इन्फाइनाइट पर है, बहुत दूर है, तो बच्चों जरा सुनना, जब ये बिंदु स्रोत बहुत दूर है तो क्या होगा, ये फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, और जब यहां पहुंचेगी ये, तो हमें ये कैसे मिलते जाएगा, प्लेन मिलेगा। कैसा मिलेगा? अरे हमें लगेगा ही नहीं कि ये स्फेरिकल है, हमें दिखेगा ये क्या है, प्लेन है, समतल तरंगाग्र है। बिंदु स्रोत अगर इन्फाइनाइट पर है, स्फेरिकल फैला फैला बहुत बड़ा हो गया, तो यहां ऐसे पहुंचने वाला है, ऐसे पहुंचने, हम थोड़ी बता सकते हैं कि वो स्फेरिकल का पार्ट है, हमें तो क्या लगेगा, वो समतल तरंगाग्र है। और इसका भी वही हाल है, जब ये बहुत दूर जाएगा तो ये भी क्या लगेगा, समतल तरंगाग्र। तो मतलब जब आपका ये बिंदु स्रोत या ये रेखीय स्रोत इन्फाइनाइट पर है, तो हम तक कैसा लगेगा कि हमें तरंगाग्र कैसा पहुंच रहा है, समतल तरंगाग्र। तो तीसरा वाला क्या होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र। तीसरा वाला क्या होता है, समतल तरंगाग्र होता है। थर्ड वन क्या होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र। अगर आपका स्रोत कहां पर है, इन्फाइनाइट पर है, तो आपको बहुत दूर कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा तरंगाग्र मिलेगा बच्चों। तो इसको क्या बोलेंगे हम, समतल तरंगाग्र। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। तो बच्चों जब भी आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे, 90% चांस पर आप समतल तरंगाग्र को लेते हैं, बहुत कम आप स्फेरिकल तरंगाग्र और सिलेंड्रिकल तरंग, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लेते हैं, क्योंकि समतल तरंगाग्र हम तक पहुंचता है, जैसे सन से पहुंच रहा, सन से बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां से स्फेरिकल वेव में आई यहां तक पहुंचने पर क्या हो गया, वो समतल तरंगाग्र। तो हम जनरली किसकी इक्वेशन लिखेंगे, समतल तरंगाग्र की इक्वेशन लिखेंगे आगे बच्चों, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहां पर, ओके। तो यहां पर ये एक्स वाई आपका कोई मिरर है, तो बच्चों यहां पर एक वे फ्रंट आपने आपतित किया ए बी, ये ए ये बी, ओके बच्चों। वेव फ्रंट मतलब कोई वेव तरंगाग्र आ रहा है, और बच्चों मैंने क्या कहा, आप 95% चांस में समतल तरंगाग्र ही लेते हैं। ये समतल तरंगाग्र है बच्चों, ये क्या है, समतल तरंगाग्र है। इज इट क्लियर? समतल तरंगाग्र है जो कंटिन्यूअसली इस माध्यम में आगे बढ़ रहा है। मान लिया जाए इस माध्यम में प्रकाश की चाल है वी, आप वी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो मान लिया जाए इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, भी है। इज इट क्लियर? अब ये सरम समतल तरंगाग्र किसी टी इज इक्वल टू जीरो पर यहां पर था, कब था ये, टी इज इक्वल टू जीरो या इनिशियली आप कह सकते हो, यहां पर तो रुकेगा नहीं क्योंकि वो क्या पढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि समतल तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है। अब पहली चीज बच्चों, अगर मैंने, तुम बताओगे, तुम सोच के बताओगे, अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, मैं ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर इस पर खींच रहा हूं, तो मैंने क्या कहा कि तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब को ही आप रे कहते हैं। तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब ही क्या होता है बच्चों, रे होता है, किरण होती है। तो ये आपतित किरण है आपकी, यहां पर भी मैं बना सकता हूं, ये आपकी आपतित किरण, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये तरंगाग्र है ना, ये वेव फ्रंट ऐसा है, ऐसा वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, और उस पर तुमने अभिलंब खींचा है, जो अभिलंब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्सो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो कि आफ्टर पासेज ऑफ टाइम, आफ्टर टी टाइम, सुनना जरा बात को, है यहां पहुंच गया, ये भी 90 होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वेव फ्रंट ये तो ये रे है, इस तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब को रे कहते हैं, सुनना मेरी बात को, क्योंकि ये मिरर है, लाइट अंदर तो जाएगी नहीं, ओके बच्चों, लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब सुनना, एट टी इज इक्वल टू जीरो ये पॉइंट यहां पर था, ये पॉइंट यहां पर था, आफ्टर पासेज ऑफ टाइम, आफ्टर टी समय बाद, आफ्टर टी समय बाद यहां पर का तरंग कहां जाएगा, अंदर नहीं जा सकता है क्योंकि मिरर है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
अरे बात समझ में आ रही है, यहां पर का तरंग आगर क्या हो जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वाला तो अभी इसी माध्यम में, तो ये आराम से यहां तक आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि टी समय बाद जो बी पॉइंट है मान लिया जाए वो बी डैश पर पहुंच गया है और ए पॉइंट मान लिया जाए ए डैश पर पहुंच गया है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ए अंदर क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई मिरर है। तो ये वाला भाई कहां पहुंच गया है, ये पहुंच गया है आपका, ये वाला पॉइंट पहुंच गया है आपका यहां पर और ये वाला पॉइंट पहुंच गया है आपका यहां पर। अब मुझे ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये और ये सेम समय में लाइट कवर कर रही है, सेम माध्यम में, सेम समय में मतलब टी समय बाद सेम माध्यम में, ये भी वही माध्यम है, ये भी वही माध्यम है। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वी है, टाइम कितना ले रहे हैं आप, टी समय बाद, तो डिस्टेंस ये कितनी डिस्टेंस होने वाली है, बी बी डैश होने वाली है वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर आप तुम्हारी किताबों में सी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां वाई ले रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी बी डैश कितना हो गया बच्चों, वी टी हो गया। कुछ बात समझ में आई, वी टी क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वी, और यहां पर टाइम कितना था, टी इज इक्वल टू जीरो, यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लिया, टी। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, पता है ना, स्पीड इंटू टाइम वी टी। और ए कहां पहुंच गया, ए डैश पर, क्योंकि वो सेम माध्यम है। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई, 100% ये डिस्टेंस भी वी टी हो गई, क्योंकि सेम माध्यम है, स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी, टाइम भी सेम है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, वी टी होगी। यहां से नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि मिरर है यार, इसी माध्यम में परावर्तन हो गया। एकदम क्लियर है यहां तक? अब जब मैं, आप क्या करते हैं इसमें आर्क खींचते हैं, उसके आप आर्क खींच सकते हो उस पर, जब आपने ये दो मिलाए, जरा फील करना बात को तभी आपको समझ में आएगा, जब आपने ये दो मिलाए, सॉरी है, सही तरीके से स्ट्रेट लाइन, जब आपने ये दो मिलाए, ये सीधी लाइन आप खींच सकते हो उसको, ओके ठीक है, सुनना, जब आपने ये दो मिलाए तो बच्चों आर्क खींच के उसको मिला सकते हैं, वीटी आर्क। तो बच्चों सुनना जरा, ये थी आपका आपतित तरंगाग्र जो आ रहा था, आपतित तरंगाग्र, ये क्या था आपका, आपतित तरंगाग्र, और समतल तरंगाग्र भी बोल सकते हैं इसको, आपतित समतल तरंगाग्र। ये क्या हो गया आपका, परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र। मतलब जो ये तरंगाग्र है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये वाला तरंगाग्र है, ये कुछ नहीं बल्कि इस तरंगाग्र का टी समय बाद की नई स्थिति है। समझो जरा बात को, इस आपतित तरंगाग्र की टी समय के बाद नई स्थिति है, तो इसलिए ये परावर्तित के बाद तरंगाग्र है, तो दिस इज परावर्तित तरंगाग्र, रिफ्लेक्टेड वे फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वे फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट रे। और बच्चों इस तरंगाग्र से, अब मैं इनको मिटा रहा हूं यहां पर, ठीक है, इससे अगर आपने ये रे खींच दी, ये रे खींच दी, तो ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। 90 डिग्री होना चाहिए, किसी भी तरंगाग्र पर 90 डिग्री अगर हम खींचते हैं तो वो क्या होती है, किरण, उसी को हम कहते हैं, तो ये परावर्तित किरण हो गई। आई होप समझ पा रहे होंगे, परावर्तित किरण। अब कोण बनाते हैं कि आपको परावर्तन के नियम शुद्ध करने हैं, तो सबसे पहले नियम तो आपका यही आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब सुनना जरा बात को, यहां पर मैं नॉर्मल खींचता हूं, अभिलंब खींचा मैंने, यहां पर भी बड़े बच्चे कंफ्यूज करते हैं, और यहां पर भी मैं अभिलंब खींच लेता हूं, ठीक है, आई होप सही बन रहा होगा। ओके बच्चों, पहले मैं इधर की बात करता हूं, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट ए की बात करता हूं। देखना बच्चों, सुनना, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये क्या है बच्चों, अभिलंब,
ये कोण क्या होगा? इंसिडेंट कोण। ये क्या होगा बच्चों? आपतन कोण होगा। अरे अभिलंब से ही तो आपतन कोण लिया जाता है, वे फ्रंट से मत ले लेना, अभिलंब से आपतन कोण, अभिलंब से आपतन कोण। इज इट क्लियर? तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल। ये क्या है बच्चों? आपका आपतन कोण है। दिस इज द इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, मुझे आप बताओगे, ध्यान से बताओगे बच्चों कि ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण मैं इधर बना लेता हूं, दैट्स ये बना दिया मैंने आई, सॉरी है, ये बना दिया मैंने आई, और मैं ब्लैक से बनाता हूं इसको। ये मुझे बताओ ये वाला कोण कितना है बच्चों? सुनना जरा बात को, ध्यान से समझना बात को। देखो बच्चों, ये आपतित किरण थी और ये वेव फ्रंट था, तो ये तो 90 होगा ना बच्चों। मैंने आपको बताया है ना कि किसी तरंगाग्र पर आपतित किरण हमेशा कितनी होगी? 90 होगी। तो ये पूरा 90 है, ये आई है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 90 माइनस आई। एकदम क्लियर है? क्या होगा बच्चों? ये 90 माइनस आई होगा। क्या होगा बच्चों? 90 माइनस आई होगा। इज इट क्लियर? ये क्या होगा? 90 माइनस आपका क्या आ गया? 90 माइनस आई आ गया। अब सुनना मेरी बात को, मतलब यहां पर खिचड़ी बन जाएगी थोड़ी से, 90 माइनस आई। ओके, अब मुझे बताओ ये 90 माइनस आई है, तो अब देखना, अब क्या करने वाला हूं मैं, जरा ध्यान से देखना कि ये अभिलंब था आपका, ये 90 माइनस आई था, और देखो ये जो था ना, ये मिरर है आपका। अब जरा यहां पर फील करना बात को कि ये कितना है? ये 90 है अगेन। अरे ये 90 है ना, मतलब मेरा बोलने का मतलब खिचड़ी बनेगी यहां पर, मैं कुछ नहीं कर सकता है, ये 90 है। ओके, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण जरा देखना है, ये वाला कोण देखो। तो अब सुनना जरा बात को, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये था आपका 90 माइनस आई और टोटल 90 था, तो ये पूछना चाह रहा है ये कितना होगा। तो कितना होगा बच्चों? 90 माइनस आई, तो कितना हो जाएगा? वो आई हो जाएगा। समझो जरा बात को, ये टोटल अभिलंब से ये 90 डिग्री का था, ये 90 माइनस आई था, इससे निकाल दिया था हमने, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला हो जाएगा 90 माइनस आई माइनस आई, तो कितना हो जाएगा? थोड़ी से 5 मिनट, 90 तो कितना हो जाएगा? ये आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। समझ में आई? मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है यहां पर, समझो, यहां पर आपके समझ में आ गया तो आप प्रूफ कर दोगे उसको। इस वाले में ए, ये थे बी डैश, और बी में ये वाला जो कोण है, दिस इज द आई। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज द आई। सिमिलरली बच्चों इधर देखो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर ओके, रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका क्या होने वाला है? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंटेड हियर। ओके बच्चों, कि आपका रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल आर, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल आर होने वाला है। कैसे आना है? अब देखो भाई, रिफ्लेक्टेड एंगल यही होगा ना, दैट्स, और ये गया तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो बच्चों ये कितना होगा? अगेन ये 90, ये आर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है बच्चों, किरण ऐसे जा रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। मेरा बोलने का मतलब ये है, ये 90 माइनस आर होगा, तो ये वाला जो होगा ये कितना हो जाएगा? अगेन आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं उस बात को, ये रिफ्लेक्टेड कोण है, ये परावर्तन कोण आर है, अभिलंब से जो गया परावर्तन कोण, और ये 90 डिग्री था, तो ये कितना, ये आर था, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 डिग्री था, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब मैं दो त्रिभुजों को अलग अलग बना रहा हूं, आपने ये लगभग सॉल्व कर दिया है, और इसमें 1 से 2 मिनट आपके लगेंगे सॉल्व करने में बच्चों, ठीक है। तो मैं इन दो त्रिभुजों को, कौन से जरा फील करना बात को है, एक ये वाला त्रिभुज देखना जरा, ये वाला ये कितना है आपका? ए, ये है आपका बी डैश, और बी। अब जरा सुनना बात को, ये जो डिस्टेंस थी
ये जो भी था आपका ए बी, जितना भी आपका ए बी आया था, ये कौन था आपका आई कौन, ये वाली जो डिस्टेंस थी बच्चों ये वी टी थी। देखो यहां से यहां जाने में कितना समय, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, वी टी। इज इट क्लियर? वी टी। और ये ए बी बी डैस। ओके, अब दूसरा वाला बना रहा हूं मैं, दैट्स दैट्स दैट्स, तो ये क्या हो गया, ए डैस बी डैस और ए। अब सुनना बच्चों, ये इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये सेम और ये है आपका आर। इसमें मुझे बताओ वी टी कौन है, इसमें वी टी कौन है बच्चों, वी टी इसमें ये वाला है, ये मत बना देना वी टी बच्चों, ये तो ए ए डैस बी डैस आपतित तरंगाग्र की नई परावर्तित तरंगाग्र है, तो ये कितना है, ये वाला वी टी है और ये आर है, ये भुजा कॉमन है। अब जरा सुनना मेरी बात को, मेरी बात को सुनना बच्चों, ये वी टी, वी टी के सामने का कोण आई टी और वी टी, वी टी के सामने का कोण आर टी, मतलब समान साइड, ये साइड और ये साइड दोनों समान है, एक और एक कट मार दिया, दो साइड समान, ये साइड और ये साइड समान, एक साइड फिर कॉमन है दोनों में, भाई ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, यहां तो मैं अलग अलग बना रहा हूं ना समझाने के लिए, यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों मतलब दोनों त्रिभुज की ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये भुजा होगी उभयनिष्ठ। तो बच्चों एक बात बताओ, दो साइड बराबर, एक कोण बराबर, तो 100% ये त्रिभुज क्या होने वाले हैं, सर्वांगसम होने वाले हैं, तो सर्वांगसम के अनुसार इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा बच्चों। तो यहां से आगे अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इंसिडेंट, बस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड, अरे इसके सामने का ये वीटी भुजा है ना, ये आई बराबर वीटी भुजा के कोण का एंगल आर, तो ये आई इज इक्वल टू आर, तो यही तो परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम बच्चों, है ना। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों के तीनों इस व्हाइट बोर्ड में प्रेजेंट है बच्चों, तो वो दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों समान प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं बच्चों, समान प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं, तो ये है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम बच्चों, ठीक है। इसमें हम अपवर्तन का अध्ययन करते हैं बच्चे, अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का, हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रकाश के अपवर्तन का क्या करेंगे, इसमें अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, ठीक है बच्चे, ओके, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो लेट अस सी हियर कैसे हम करने वाले हैं इसको, ठीक है, जस्ट वन मिनट वेट, इसको हम कैसे करने वाले हैं बच्चे, तो सेम टू दैट, इस बार हम दर्पण की जगह क्या लेंगे, दो माध्यम लेंगे, इस बार हम दर्पण की जगह क्या लेने वाले हैं बच्चों, दो माध्यम लेने वाले हैं, ठीक है। और माना ये माध्यम फर्स्ट है, ये फर्स्ट माध्यम है जो कि क्या है, विरल माध्यम है, मान लो सपोज दैट, और ये माध्यम सेकंड है जो कि क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है बच्चा। मान लिया जाए यहां स्पीड ऑफ लाइट वी वन है, यहां स्पीड ऑफ लाइट वी टू है, ठीक है, यहां स्पीड ऑफ लाइट वी वन है, यहां स्पीड ऑफ लाइट वी टू है, ठीक है, ओके, सेम टू दैट वही प्रोसेस है। देख ये आपका सपोज दैट एक तरंगाग्र आया, ये आपकी तरंगाग्र आई, ठीक है, ये वे फ्रंट है, और कौन सा वे फ्रंट है, समतल वे फ्रंट है, ठीक है बच्चा, समतल वे फ्रंट है, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये इस पर नॉर्मल आपने ड्रॉ कर दिया, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या कि मान लिया जाए ये वे फ्रंट ए बी है, कुछ भी नाम दे सकते थे आप इसको, वे फ्रंट ए बी है, अब होगा क्या, इस टाइम ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इस टाइम लाइट इधर नहीं जा रही, लाइट अंदर जा रही है, मतलब इस सघन माध्यम में जा रही, तो होगा क्या कि ये माध्यम सघन है, ये विरल है, हो सकता ये वाला जो पार्टिकल था, ये वाला वे फ्रंट जो है आफ्टर t इक्वल टू जीरो पर यहां पर था, t इक्वल टू जीरो पर कहां पर था, ए बी था वे फ्रंट, और इसको आपतित तरंगाग्र बोलेंगे, आफ्टर t टाइम बाद ये वाला जो वे फ्रंट है बच्चों ये पहुंच गया सपोज दैट यहां पर, ठीक है बच्चा, यहां पर पहुंच गया बी डस पर, लेकिन ए वाला कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया आपने,
ठीक है, अभिलंब ड्रॉ किया। अब जब रियर से डेंसर में जाएगी लाइट तो टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। ओके बच्चों, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। इज इट क्लियर? नाउ क्या होने वाला है बच्चों इसमें, कि इसने टी समय पर इतनी डिस्टेंस कवर्ड की, इस वे फ्रंट, ये वे फ्रंट यहां से यहां पहुंचा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, टाइम आपका टाइम टी समय बाद, टी समय बाद बी कहां पर पहुंचा बच्चा, बी पहुंचा बी डैश पर, तो डिस्टेंस ये वाली बी बी डैश कितना होगा बच्चों, बी बी डैश होगा, देखो इस माध्यम में प्रकाश की चाल वी वन इंटू टाइम टी, मतलब ये जो डिस्टेंस है बच्चे ये हो गया VT, और हम पहले से ही निकाल चुके हैं ये डिस्टेंस, ये एंगल क्या है, I है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो जब आपतित किरण अपवर्तित होगी तो ये वाला कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, R, ये अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। अब ये A T टाइम के बाद A डैश पर पहुंचा बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, A A डैश डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A A डैश डिस्टेंस कितनी होगी बच्चे, A A डैश डिस्टेंस कितनी होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है V2, और समय तो दोनों के लिए सेम है, तो V2T, तो देखिए V2T हो गया। अब क्या होगा बच्चों, सुनना जरा बात को, कि रियर मीडियम में प्रकाश ज्यादा तेजी से दौड़ रहा होगा, V1T है ये, सॉरी ये क्या है मेरे बच्चे, V1T है, ओके। तो ये तो आपका विरल माध्यम है, रियर मीडियम है, यहां प्रकाश ज्यादा डिस्टेंस कवर्ड कर रहा होगा टी टाइम में, क्योंकि यहां प्रकाश की चाल ज्यादा है और यहां कम डिस्टेंस कवर्ड किया, तो इसलिए अंतर हो जाएगा थोड़ी सा, और जो अपवर्तित वेव फ्रंट बनेगा वो ये बनेगा, ये क्या हो गया, अपवर्तित वेव फ्रंट, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित समतल तरंगाग्र। ओके बच्चों, अब सुनना मेरी बात को जरा ध्यान से, इस टाइम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में वी टू वेलोसिटी से प्रकाश ने टी समय पर दूरी कवर की, जबकि ये क्या था, रियर मीडियम ही था, तो इसलिए ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी इस टाइम, अलग होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को जरा से, यहां पर मिटा के मैं इसको इसको यहां पर लिख लेता हूं वी टू टे। अब सुनना मेरी बात को बच्चे, मुझे ये बता बच्चे ये एंगल कितना होने वाला है, ये एंगल होने वाला है बच्चा, देखो इसको इधर बना रहा हूं मैं, ये अभिलंब है, देखो ये अभिलंब है और ये एंगल आपका आर है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, यस एंड नो, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस आर। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, क्योंकि ये सीधा बाहर की, ये आपका आउटसाइड आ रहा है, अब दूसरी चीज बच्चे, ये 90 डिग्री है क्योंकि मैंने, मुझे पता है, और ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है बच्चा, क्योंकि किसी समतल तरंगाग्र पर खींचा गया अभिलंब है बच्चों, ये जो कि किरण है, और ये क्या होता है 90 डिग्री होता, तो ये भी 90 डिग्री है और ये 90 माइनस आ रहा है, तो ये कितना होने वाला है बच्चों, ये कितना होने वाला है मेरे बच्चों, देखो जब 90 प्लस 90 माइनस आर इज इक्वल टू 180, 180, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा, देखो ना ये 90 माइनस आर, ये प्लस 90, और प्लस इसको कुछ भी मान लो तुम, एक्स वोक्स कुछ भी मान लो, इन तीनों का कोण कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो 180, तो देखो ये 180 ये कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो इसलिए ये कोण क्या हो गया मेरा, आर हो गया, ठीक। बस अब स्नेल का नियम लगाना, आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है, स्नेल के नियम से क्या होने वाला है बच्चों, अब आप क्या लगाओ पहले, हाँ, इस त्रिभुज से देखो ये 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज से देखना जरा, इस त्रिभुज से साइन आई निकालो, तो साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब, लंब बटे कर्ण, इस त्रिभुज के लिए बच्चों, ए ए बी बी डैश में, किसमें, ए बी बी डैश में, त्रिभुज ए ए बी डैश में, साइन आई इज इक्वल टू ये क्या होगा, लंब, लंब कितना है, वी वन टी बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी डैश, ओके। और इस त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज में किसमें बच्चे, ए त्रिभुज ए ए डैश बी डैश में क्या होगा बच्चों, देख रहे हैं ना, साइन आर
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन आर इज इक्वल टू देखो लंब बटे कर्ण, इसके साइन आर के लिए लंब ये है बच्चा, तो लंब बोले तो लंब कितना है वी टू टी बटे कर्ण, कर्ण कितना है बच्चों ए बी डैश, ए बी डैश, एकदम क्लियर है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब देखना बच्चे, ठीक है क्या हो रहा है कि अगर स्नेल का नॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता बच्चा, सेकेंड मीडियम का रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यस एंड नो, म्यू टू अपॉन म्यू वन, एन टू अपॉन एन वन, माना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, माना इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यस एंड नो। तो इस वैल्यू को रखो, ये इसमें वैल्यू रखो, तो जरा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर इसको, तो वैल्यू रखे इसकी साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई हाउ मच कितना है बच्चा वी वन टी डिवाइडेड बाई ए बी डस अपॉन साइन आर, साइन आर कितना है बच्चे वी टू टी डिवाइडेड बाई ए बी डस, कैसे होने वाला है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, उल्टा हो जाएगा है ना, वी टू टी अपॉन वी वन टी, सॉरी वी वन टी अपॉन वी टू टी, वी वन टी अपॉन वी टू टी, टी से टी मर जाएगा तो ये कितना हो गया वी वन अपॉन वी टू, इज इट क्लियर। अब देखो बच्चे वी वन अपॉन वी टू, अब सुनना जरा बात को, रिफ्रेक्टिव वेलोसिटी के टर्म्स में देखना, वेलोसिटी के ये क्या है वी वन पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, वी टू क्या है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और वी इज इक्वल टू आप एफ लैम्डा एम ए लैम्डा जो आपने पढ़ा है, तो ऑल्सो वी वन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं एफ लैम्डा वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू एफ लैम्डा टू, और अगर मैं मान लिया जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में इसको बोलना चाहूं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वी वन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा वी वन, अच्छा मैं यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, वी वन को क्या लिख सकता हूं बच्चा सी सी अपॉन म्यू वन, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बच्चे पहले माध्यम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई सी अपॉन म्यू टू, दूसरे माध्यम में वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देख क्या होगा बच्चे इसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखो बच्चों सी से सी कट गया ये उल्टा हो गया, तो ये क्या हो गया म्यू टू अपॉन म्यू वन, तो क्या हो गया बच्चे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यही तो स्नेल का लॉ होता है, अपवर्तन में किसका नियम फॉलो होता है बच्चे स्नेल का लॉ होता है, अपवर्तन में किसका नियम फॉलो होता है स्नेल का लॉ फॉलो होता है, तो हमने निकाल दिया स्नेल का लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर टू म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन, म्यू टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाई के उपस्थिति में, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाई के उपस्थिति में, और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये अपवर्तन का नियम भी हाइजेंस प्रिंसिपल से क्या होता है बच्चा फॉलो होता है, तो मेरे काला डूंगी के बच्चे क्या आपको ये समझ में आया, कैन यू अंडरस्टैंड, आप चैट के माध्यम से आंसर भेज सकता बच्चा ओके, कि क्या आपको ये क्लियर हुआ या कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से अपवर्तन की व्याख्या भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हाइगेंस प्रिंसिपल से अपवर्तन की व्याख्या। अब हम क्या इसके बाद क्या करने वाले हैं बच्चों, तरंग का कि जो हाइगेंस था उन्होंने बहुत सारी चीजें सही बता दी थी। अच्छा यस काला डूंगी बच्चे आपने यस का आंसर दिया है, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है बच्चे तो आपने चैट के माध्यम से भेज देना, हम अगले दिन आपको वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डिफिकल्ट लगता है तो आप चैट के माध्यम से उसको भेज देना कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड नीट और जेई के क्वेश्चन हम सॉल्व करा लेंगे। ठीक है ओके, तो लेट अस हियर यहां पर क्या होगा बच्चा कि देखो हमने हाइगेंस प्रिंसिपल से
ये पता कर दिया है कि प्रकाश का तरंग का नेचर होता है। हाइगेंस ने बताया प्रकाश का तरंग का नेचर होता है और उसके कारण हम इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को समझ सकते हैं। किसको? व्यतिकरण, व्यतिकरण और विवर्तन, और विवर्तन को, विवर्तन किसकी व्याख्या करता है? प्रकाश के तरंग के, प्रकाश के, प्रकाश का तरंग का नेचर होता है, तरंग की प्रवृत्ति होती है। ओके बच्चे, अब हमें क्या करना है? अब व्यतिकरण और विवर्तन से प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति, तरंग की प्रवृत्ति होती है, व्यतिकरण और विवर्तन ये बताता। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों व्यतिकरण, कि व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, व्यतिकरण, व्यतिकरण पहली लाइन बच्चों, ये प्रकाश के तरंग प्रवृत्ति की व्याख्या करता है। व्यतिकरण क्या करता है? प्रकाश के तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, प्रकृति की व्याख्या करता है। ओके, मींस कि ये व्यतिकरण फिनोमिना ये बताता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश किसके रूप में होता है? तरंगों के रूप में होता है, बल्कि मतलब प्रकाश कण के रूप में नहीं होता है, ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, बल्कि ये किसकी व्याख्या करता है? प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है बच्चों? कि मान लिया जाए कि प्रकाश की दो तरंगें हैं, प्रकाश की दो तरंगें हैं, मान लिया जाए प्रकाश की एक तरंग ये है, एक वेव ये है बच्चे, और इस वेव को मैंने रिप्रेजेंटेट कर दिया है वाई वन से। ओके, और प्रकाश की मान लिया जाए ये दूसरी वेव है और इसको मैंने रिप्रेजेंटेट कर दिया है वाई टू से। तो इन दोनों के मिलना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है, मतलब सुपर इम्पोज, दो तरंगों के अध्यारोपण का, जब दो तरंगों को हम मिलाते हैं, दो तरंगों को अध्यारोपण करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यतिकरण की घटना की ये पहली प्रोसेस है बच्चों। तो जब दो तरंगों का अध्यारोपण करते हैं कि ये y प्लस, मतलब y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, इसको क्या बोलते हैं? अध्यारोपण, तरंगों का अध्यारोपण, तरंगों को सुपर इम्पोज करना मतलब तरंगों का अध्यारोपण। तो बच्चे इसमें y y1 पहली तरंग, y2 सेकेंड तरंग। अब सुनना बात को कि y1 प्लस y2 ये तरंगों का अध्यारोपण हो रहा है। अब y1 की जो वैल्यू होगी, y2 की जो वैल्यू होगी, तो जो रिजल्टेंट बनने वाला है इसका, इस रिजल्टेंट के साथ बहुत सारी चीजें निर्भर करने वाली है। हो सकता है इसका रिजल्टेंट वेव ही ना मिले हमें, हो सकता है ये वेव हमें इसका एम्पलीट्यूड और एनर्जी इंटेंसिटी ज्यादा हो दोनों के सम से, हो सकता बीच में हो, मतलब इनका अध्यारोपण करने का निश्चित प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जब अब व्यतिकरण क्या होता है? जब प्रकाश की दो तरंगें, जब प्रकाश की दो तरंगें समान आवृत्ति की, समान दिशा में अध्यारोपण करते हैं, तो ऊर्जा का वितरण हो जाता है। कुछ पॉइंट पर जो ऊर्जा और तीव्रता है वो न्यूनतम होती है, कुछ पॉइंट पर ऊर्जा और तीव्रता अधिकतम होती है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण या रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी इज नोन एज द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे शुरुआत में करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट y, सपोज दैट y इज इक्वल टू, y1 इज इक्वल टू आप ले लो a साइन ओमेगा t, और प्लस माइनस कुछ भी लेगो माइनस के एक्स। मान लिया जाए ये पहली वेव है बच्चों, ये किसी तरंग की इक्वेशन होती है, ये तरंग का क्या है बच्चों? समीकरण है। तरंग का क्या होता है? समीकरण है बच्चों। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं, अगर सिर्फ इतना होता है बच्चों तो ये क्या है? k
किसी पार्टिकल का सरल आवर्त गति का समीकरण है, ठीक है। तो इसको बच्चों हम अगले दिन सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्यतिकरण हम शुरुआत से अगले दिन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।